तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं वाल्मीकि नगर में और आज हम लोग चल रहे हैं वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे माता सीता धरती के अंदर चली गई थी और लव कुश का जन्म वही हुआ था, शिक्षा दीक्षा वही हुई थी और भगवान राम का यशोमेध यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा लव कुश ने वहीं पे बांध लिया था। तब वहाँ पे हनुमान जी आए थे घोड़े को मुक्त कराने। उन सब जगह के बारे में आज आपको दिखलाने वाले हैं, तो चलिए आप लोग हमारे साथ चलिए वाल्मीकि आश्रम और देखिए वहाँ का ऐतिहासिक और धार्मिक सारी जानकारी। हम लोग चल रहे हैं वाल्मीकि आश्रम, तो ये भैया मिल गए हैं, ये SSB में ही तैनात हैं, तो इन्होंने कहा कि भैया हमको चलना है, तो भाई जगह हम लोग देखिए ऐसे एडजस्ट करके जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों की गाड़ी जो है ना टाइमली आती जाती रहती है, लेकिन वो गाड़ी निकल गई है एक्चुअल में, अभी ड्यूटी पे आए हैं अभी, तो ये भी हमारे साथ हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं वाल्मीकि आश्रम और कैसा लग रहा है भैया? लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है इनको भी। अब बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं वाल्मीकि आश्रम। तो देखिए दोस्तों, ये एक वाटर क्रॉसिंग है, पता नहीं इस नदी का नाम क्या है, लेकिन अभी हम लोग ये नदी क्रॉस कर रहे हैं। और भाई 4 व्हील तो चला जाता है, ये अपनी 2 व्हील है और भी छुटकी है, लेकिन आराम से पार कर गए हैं। हमारे लिए तो भाई हमारा थार यही है, चाहे नेपाल का हिमालय रेंज हो तब या गांव का सड़क हो तब। तो देखिए दोस्तों, ये हाथी अभी हम लोग को दिखा है, देख सकते हैं ये हाथी। यहाँ से वाल्मीकि आश्रम बिल्कुल नजदीक है और सबसे ताजुब की बात है कि जहाँ एक तरफ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती रहती है, और ये देखिए सारे लोग, तमाम लोग एक मुस्लिम परिवार से हैं और ये लोग वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने गए। इनका आस्था देखिए, बच्चे से लेकर बड़े जो भी हैं, किन्हीं के पैर में चप्पल जूता नहीं है। ये लोग ना अभी घूम के आ रहे हैं वाल्मीकि आश्रम, देखिए सारे लोग खाली पैर, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है बेटा? शायना। क्या देखने गए थे? मंदिर देखने गए थे। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? है ना? चलो, क्या नाम बोले आप? साइना। साइना, तो देखिए भाई ये साइना है और बोल रही है कि मंदिर घूमने आए थे, बहुत अच्छा लगा। और ये लोग क्या बेटा देखे, क्या देखे आप? क्या मंदिर? क्या देखने गए थे? मंदिर। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। और क्या नाम है आपका? जफर। जफर, वाह जफर। आप लोग भी, आप लोग कहाँ से भैया? पटोरा से। पटोरा से मतलब गोरखपुर के पास? नहीं, कुशीनगर। और कुशीनगर से आए हैं, तो स्पेशली यही घूमने ही आए हैं ना? घूमने के लिए। चलिए, तो जहाँ एक तरफ हिंदू मुस्लिम और बहुत सारा चीज लोग करते हैं, और इन लोगों को देखे तो बहुत अच्छा लगा कि आ रहे हैं और किस मतलब एक जो आस्था है उसके साथ आए हैं, तो ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और हमारे भारत की यही विविधता है कि इसके बहुत सारे रंग हैं और हम सब एक हैं, ये प्रेम ये सौहार्द हमारे देश में बना रहे। चलिए धन्यवाद भैया। ठीक ठीक। तो दोस्तों, ये SSB चेक पोस्ट है, चूंकि ये चेक पोस्ट इसलिए है कि अभी हम लोग एक नदी पार करेंगे जिसका नाम है तमसा नदी, और तमसा नदी जैसे ही आगे पार करेंगे तो उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे नेपाल में। अब वाल्मीकि आश्रम जो है, जहां माता सीता रही थी लवकुश के साथ,
वाल्मीकि आश्रम में, वो आश्रम नेपाल में स्थित है, तो उसी को लेके यहाँ पे चेक पोस्ट भी है और हमारे साथ एसएसबी के एक भैया भी आए हैं, उनको यहाँ तक हम अपने साथ लेते आए हैं। तो अब चलते हैं, तमसा नदी हम लोग क्रॉस करेंगे। कैसा लग रहा है दर्शन करके? कहाँ से हैं आप लोग? कुशीनगर से आप लोग भी है ना? और कुशीनगर के यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो देखिए ये लोग भी ना कुशीनगर से हैं और अभी दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, दोस्तों ये तमसा नदी देख सकते हैं अभी ये उधर से, और हम लोग वो नदी अभी क्रॉस करेंगे। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग अभी? दर्शन किए? कैसा लगा? कहाँ से आए आप लोग? नेपाल से। नेपाल कहाँ से? बुटवल जानते हैं, वही आसपास में लुम्बिनी भी है ना? लुम्बिनी बुटवल। चलिए ठीक है, हम तो बिहार मुजफ्फरपुर। जी जी हाँ, घूमने ही आए हैं। नदी के किनारे वाल्मीकि जी बैठ के और पूरा के पूरा रामायण लिखे थे, वही ये पवित्र नदी है तमसा नदी। और इस नदी के उस तरफ भारत था जो वर्तमान में भी भारत है, और इस नदी के इस तरफ जिधर हम अभी आपकी तरफ आ रहे हैं ये हो गया अभी नेपाल। तो अभी नदी के उस तरफ हम लोग थे इंडिया में, अभी आ गए नेपाल में, और नेपाल में ही अभी वर्तमान परिदृश्य में नेपाल में ही वाल्मीकि आश्रम है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी नेपाल और तमसा नदी पार कर गए हैं। हम आ गए हैं नेपाल स्थित वाल्मीकि आश्रम के मुख्य द्वार पे। यहाँ देख सकते हैं एपीएफ पोस्ट है, मतलब नेपाल पुलिस नेपाल फोर्स का ये चेक पोस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे, और देख सकते हैं ये नेपाल माँ हार्दिक वाल्मीकि आश्रम आ गए हैं हम लोग। ये चितवन जिला में है वाल्मीकि आश्रम। तो अब इस द्वार से हम लोग चलेंगे वाल्मीकि आश्रम की तरफ। आ गए हैं वाल्मीकि आश्रम के पास, और देखिए ये छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन करके आ रहे हैं। वाल्मीकि आश्रम के सामने, और देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पूजन सामग्री का बहुत सारा दुकान है, और यहाँ पे नेपाली मूल के लोग देखना शुरू हो गए हैं। और अब हम लोग चलते हैं इस द्वार से आश्रम के अंदर। तो भैया देख सकते हैं ये है वाल्मीकि आश्रम, और यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखने वाला है जो जिससे माता सीता से जुड़ी हुई जानकारी और उनके जीवनी से जुड़ी हुई चीजों को आप यहाँ पे देखेंगे। मित्रों ये वही मंदिर है जहाँ पे सीता मैया समाधि ले ली थी और धरती के अंदर समा गई थी, ये वही मंदिर है। और कितना इसका भव्य इतिहास है, सीता मैया इसी जगह पे ना धरती में समा गई थी और इस लोक को छोड़ के चली गई थी। तो ये वही जगह है दोस्तों, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। अब वो वाला आश्रम है जहां सीता मैया रहा करती थी। इधर शिवजी का मंदिर है, सामने नंदी महाराज हैं। यहाँ पे सीता माँ को प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी यहीं आके उनको वनवास के लिए छोड़ गए थे, प्रांगण में माता सीता रही थी।
और उनके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत कुछ यहाँ पे है जो आपको अभी हम चलते हैं दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये विष्णु चक्र है, ये देख सकते हैं ये प्राचीन विष्णु चक्र है, किस तरीके से ये है आप सब देख सकते हैं, ये विष्णु चक्र और ये प्राचीन हवन द्वार। तो ये हवन द्वार है और ये प्राचीन काल का मतलब द्वापर त्रेता युग का ये हवन कुंड है, इसमें हवन हुआ करता था, काफी बड़ा हवन कुंड है। ये है लवकुश जन्म स्थल, जब माता सीता वनवास के लिए आई, लक्ष्मण जी उनको छोड़ गए जंगल प्रभु श्री राम के आदेश पे, तो इसी जगह पे लवकुश का जन्म हुआ था। और बाद में चल के जब प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ किए थे तो इसी जगह पे देख सकते हैं कि लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का प्रभु श्री राम का घोड़ा को बांध लिए और बोले कि भाई हम हैं जो उनका घोड़ा रोकेंगे, जिसको आना है जो करना है कर ले। तो ये रहा लवकुश का जन्म स्थल। यहाँ पे प्राचीन कुआं भी है दोस्तों, वो कुआं आपको हम दिखलाते हैं, वो कुआं ये है देख सकते हैं, काफी गहरा कुआं है दोस्तों, लेकिन आज के समय में इसमें पानी नहीं है, लेकिन ये उस जमाने का कुआं है जब माता सीता यहाँ रहा करती थी और इसी कुएं का पानी माता सीता पिया करती थी। वैसे यहाँ एक नदी इधर हुआ करता था, इधर दिशा में, उस नदी में माता सीता स्नान वगैरह किया करती थी और लवकुश को भी स्नान वही कराती थी। तो ये कुआं है जिससे वो पानी लेती थी और अपना खाना पीना बनाती थी। और ये सब जितना भी पत्थर यहाँ आप देख सकते हैं वो माता सीता के द्वारा उपयोग किया गया ये पत्थर है। यहाँ भी सिलौटा है, आप सब देख सकते हैं यहाँ भी वो पीसा करती थी, इससे वो अपना जो भी है मसाला वगैरह या जो भी कहे, तो इस पत्थर का भी माता सीता उपयोग करती थी। तो उस तरह के पत्थर यहाँ भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक चीज जो है जिसके बारे में अभी आपको हम दिखलाने वाले हैं वो ये है, लवकुश ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा को इसी खंभे में और इसी जो पत्थर का जो ये खूंटा जैसा है कह सकते हैं, पत्थर का जो शिला है, इसी में उन्होंने प्रभु श्री राम के घोड़ा को बांध दिए थे। और उसके बाद हनुमान जी आए और वो पहचान लिए कि भाई लवकुश प्रभु श्री राम जी के पुत्र हैं। तो ये वही स्थल है, ये वही शिला है, नेपाली में लिखा हुआ लवकुश कुशले घोड़ा बांधो को खंभा, मतलब लवकुश इसी खंभे में घोड़ा को बांधे थे। दोस्तों यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है सीता माता को सिलौता, मतलब सीता माता का जो मुख्य सिलौटा है जिसपे वो मसाला पीसे या जड़ी बूटी पीसे या जो भी करे वो यही है सीता मैया का। तो ये वो सिलौटा है जिस... देख सकते हैं कि एक इतना मोटा मोटा वो रस्सी जैसा किसी चीज का पौधा है, वो सारे पेड़ों को एक सूत्र में बांध के रखा है, देख सकते हैं वहां से लेके यहाँ जितने भी यहाँ के जंगल में जितने भी पौधे हैं सब एक दूसरे जो जुड़े हुए हैं इस पौधे के माध्यम से, देख सकते हैं। देख सकते हैं सारे पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लवकुश को, प्रभु श्री राम के दोनों पुत्रों को यहाँ पे वाल्मीकि जी शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। ये वही जगह है, ये वही स्थान है, तो आप लोग यहाँ भी दर्शन करें। और ये जो जगह है ये शिक्षा स्थल जो है गुरुकुल कह सकते हैं लवकुश का, तो उसके जस्ट पीछे ये नदी हुआ करता था। तो ये रहा वाल्मीकि आश्रम, ये चितवन जिला नेपाल में भी है वर्तमान में, और वाल्मीकि नगर से लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों वाल्मीकि आश्रम का दर्शन हो गया और हर जगह को जितनी मेरी समझ थी उस तरीके से हम घूमे हैं, समझे हैं और जानने की कोशिश किए हैं। तो आप लोगों को दोस्तों अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और
अगले एपिसोड में फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आएंगे। फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, वाल्मीकि नगर का वाल्मीकि आश्रम का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वाल्मीकि आश्रम का ये एपिसोड जहाँ पे माता सीता ने समाधि ले ली थी धरती के अंदर और प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लवकुश की यहीं पे शिक्षा दीक्षा हुई थी, प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया यशोमेध यज्ञ के घोड़ा को उनके पुत्र द्वारा यहीं बांध लिया गया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो कि हमको मिल सका वो आप लोगों से साझा किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय जय सियाराम।